हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन इन जोग्राफी ऑप्शनल क्लासेस तो हम लोग देख रहे थे क्लाइमेटोलॉजी और इस क्लाइमेटोलॉजी में हम लोगों ने बेसिकली डिस्कशन किया हुआ था कोपन्स क्लासिफिकेशन या फिर कह लीजिए क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ था सो इट वॉज ए वेरी कॉम्प्लेक्स डिस्कशन और एंड ऑफ द डिस्कशन और आज भी मैं यही बोलूँगा कि द क्लासिफिकेशन इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द फैक्ट और आपको यहाँ पर कुछ और नहीं केवल और केवल रट्टा मारना है तो सजेशन यही है कि एग्ज़ाम में जब भी आप जाएँ तो उससे पहले आप एक बार रिवीज़न कर लें और एक दिन पहले भी इसका प्रॉपरली रिवीज़न कर लें और याद भी कर लें सो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन डू फॉर दिस टॉपिक अगेन इसी तरीके के हम लोग कुछ क्लासीफिकेशन को आज भी डिस्कस करेंगे एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थॉन्ट वाइड डिस्कशन एंड ट्रिवार था डिस्कशन तो जो हमारा ये बचा हुआ पोर्शन है उसे हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेंगे तो फटाफट शुरू करते हैं लेटस स्टार्ट लेटस कंप्लीट एंड लेटस क्रैक बट बिफोर दैट

इसके अलावा इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन मेकिंग शेड्यूल्स एंड फेसिंग प्रेपरेशन प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर दिस ई गुरुकुल प्रोग्राम फॉर मोर डिटेल्स ऑबली यू कैन ई मेल ऑन रिकोगशन एज एट जी मेल डॉट कॉम फॉर द डिटेल्ड पॉइंट्स ऑफ दिस प्रोग्राम कोपन क्लासिफिकेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था उसकी फटाफट इवेल्यूशन देख लेते हैं कि आखिर में क्या यहाँ पर खास बातें हैं और उसके बाद से फिर हम लोग थॉन्टवाइ ऑट्रिवार तो वार्ता को आगे डिस्कशन कर लेंगे तो कोपेन से हमें एक फ्लोट भी मिल जाएगा आगे के डिस्कशन करने को तो कोपेन में हम लोगों ने यह देखा हुआ था कि यहाँ पर कोपेन ने अपने वेजिटेशन टेम्परेचर और रेनफॉल के जरिए अलग अलग क्लासिफिकेशन प्रोवाइड की थी जैसे एक थी जो ए बी सी डी ई और एच वाला क्लासिफिकेशन था फिर सेकेंड लेवल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था जिसमें हम लोगों ने एस डब्ल्यू और स्मॉल एम कैपिटल एम टी इस तरीके से देखा था और लास्टली हम लोगों ने देखा था ए बी सी टाइप वाली क्लासिफिकेशन और एच एंड के जहाँ पर हॉट और समर वाली चीज़ थी बेस्ड ऑन दैट वी हैव क्लासीफाइड ऑल द आवर क्लाइमेट्स और जितनी भी तरीके की चीज़ें हो सकती थी वो सब हम लोगों ने क्लासीफाई कर दिया था इन आवर अर्लियर डिस्कशन देख लेते हैं आखिर में कोपेन की क्या खास बात थी क्या चीज़ें इन्होंने अच्छी बोली और क्या चीज़ें इन्होंने गड़बड़ बोली तो ये पहला सजेशन मतलब कि पहला क्लासिफिकेशन था क्लाइमेट का सो इट इज़ ऑब्वियसली गुड क्योंकि ये पहला कोई भी चीज़ पहली होती है तो ऑब्वियसली इट इज़ अ गुड बिकॉज इट हैज़ गिवन अ रेफरेंस पॉइंट फॉर फर्दर डिस्कशन फर्दर रिसर्च दूसरा इम्पीरिकल था तो कहीं ना कहीं इम्पीरिकल होने की वजह से इसे एक्सेप्ट अच्छा से किया गया था एंड इट यूज वेजिटेशन एज बेसिस और ये जो होती है इट इज़ अ स्मार्ट इनोवेशन बट इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अनसाइंटिफिक तो ये साइंटिफिक ही है इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव प्रसिपिटेशन एज द बेसिस ऑफ बेटर रिलेशनशिप ऑफ वेजिटेशन विद द क्लाइमेट ये इन्होंने यूज़ किया था दो क्लाइमेट गेव द कॉन्सेप्ट ही हाव वर्क कूड नॉट डेवलप इट एंड इन कारपोरेट इड विज क्लासीफिकेशन जो कि आगे थॉन्टवाइड ने यूज किया है हम लोग देखेंगे यूजड अ कॉन्सेप्ट मोर इफेक्टिवली इन इंडिकस ऑफ दिस इज इन दिस इज एक्चुअली इंडेक्स है इंडेक्स ऑफ प्रिसिपिटेशन इफिशियंस पोटेंशियल वेपोर ट्रांसपरेशन कौन है ये था वाइट ने यूज किया हुआ था कोपेन इग्नोर्ड कैजुअल फैक्टर्स इंटायरली जबकि वही ट्रिवार्था ने इसे इम्प्रूव ट्रिवार्था ने इसे अडॉप्ट किया था और इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि कोपेन के ऊपर में एक मोडिफिकेशन ट्रिवार्था ने दिया था जिसको कि हम लोग आगे भी डिस्कस भी करेंगे हिस्स क्लासिफिकेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉम्प्रीहेंसिव स्कीम बिकॉज ऑफ इन हिस्स ओरिजिनल स्कीम हिट डिट नॉट इंक्लूड इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड एंड हिज बेसिस ऑफ यूजिंग सिम्पल्स एंड लेटर हैज़ बिन अ पॉपुलर ट्रेंड स्टार्टड बाई कोपन तो जो ए बी सी डी वाली जो चीज़ है ये शुरुआती दिनों में स्टार्ट किया था और कहीं ना कहीं ये एक फैशन भी बन गया था क्योंकि आने वाले जो लोग भी हैं जैसे थाांट वाइट हो गए याट्रवार हो गया तो इन लोगों ने भी यही क्लासिफिकेशन यूज़ किया था तो इन्होंने जो चीज़ें बताई थी मॉरलेस ठीक थी लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो स्कीम थी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी थी और उसी प्रॉब्लम को लेते हुए क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने बेसिस लिया जो पैरामीटर्स लिए थे उसमें कुछ प्रॉब्लम थी और उसी प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर फिर थॉन्टवाइट की क्लासिफिकेशन आती है अब देखिए थॉन्टवाइट की जो क्लासिफिकेशन है ये एक अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे और इन्होंने क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन के लिए अपने एक तरीका बताया था और इसके लिए इन्होंने बेसिकली चार तरीके के वेरिएबल का यूज़ किया एक है प्रेसिपिटेशन टेम्परेचर वेजिटेशन एंड साथ ही साथ में इैपो ट्रांसपरेशन एक बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि इन्होंने अपनी जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से बेसिकली दिया था यहाँ पे थ्री फेजेस लिखा गया है थ्री फेज का मतलब ये है सबसे पहले इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी 1931 में लेकिन ये पब्लिश हुई थी 1933 में मतलब कि इन्होंने जो वर्ल्ड का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किया था वो 1933 में निकल के आया था लेकिन इस पर फिर मोडिफिकेशन की गई थी और नाइनटीन में इन्होंने अपना रिवाइज वर्जन निकाला था सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में क्या क्या चीज़ें हैं तो 1931 में जब इन्होंने बताया तो इन्होंने दो कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था एक था जिसे हम लोग बोलते हैं प्रसिपिटेशन इफेक्टिवनेस और दूसरा यूज़ किया था इन्होंने टेम्परेचर इफिशियंसी इसे टेम्परेचर इफिशियंसी या इसी को हम लोग बोल सकते हैं दिस इज़ थर्मल इफ़िशियंसी और यहाँ पर यह प्रसिपिटेशन इफिशियंसी अब देखिए दोनों लोगों के लिए फार्मूला इन्होंने यूज़ किया था मतलब कि इनका जो मॉडल था वो प्योरली मैथमेटिकल था अब जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ वो आप लोग याद कर लीजिएगा ठीक है तो हम लोग बातें करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर इफिशियंसी या थर्मल इफिशियंसी की तो थर्मल इफिशियंसी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है टी माइनस थर्टी टू डिवाइडेड बाई फोर ये तो हो गया आपका जो जनरल फार्मूला है इन्होंने जो बड़ा सा फार्मूला दिया था वो एक यू कैन से समेशन बेस्ड पे था याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अब जैसे कुछ इस तरीके से फार्मूला था I इज इक्वल्स टू वन टू जहाँ तक भी आपको जाना है T माइनस टी आई माइनस थर्टी टू डिवाइडेड बाई फोर एंड दिस इज वॉट दिस इज़ थर्मल इफिशियंसी I इज इक्ल्स टू इतना तो इस तरीके से इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा सा फार्मूला दिया था नॉट इम्पॉर्टेंट यू कैन जस्ट रेफर ये वाला फार्मूला ठीक है इसके अलावा इन्होंने जो प्रसिपिटेशन इफिशियंसी को लेकर के फार्मूला दिया था वो भी फार्मूला आपको याद ही रखना है एंड दिस इज पी बाई ई इज इक्वल्स टू इलेवन पॉइंट फाइव पी डिवाइडेड बाई टी माइनस टेन और इस पर पावर टेन बाई नाइन दिस लुक्स वेरी कॉम्प्लेक्स और है भी कॉम्प्लेक्स इसमें कोई डाउट नहीं है इस वजह से आपको ये केवल याद करना है इसका एप्लीकेशन वगैरह नहीं देखना है यहाँ पर अब का मतलब क्या है पी का मतलब है प्रसिपिटेशन ठीक है तो यहां पर जो भी प्रसिपिटेशन हो रही है मंथली मीन प्रिसिपिटेशन है उसको हम लोग बोलते हैं पी तो दिस इज पीपीटी से मैं लिख देता हूँ प्रसिपिटेशन ठीक है टी का मतलब है जो मीन टेम्परेचर है तो दिस इज बेसिकली टेम्परेचर और इस तरीके से उन्होंने दो फार्मूला दिया एक दिया इन्होंने थर्मल इफिशियंसी और दूसरा इन्होंने लिया प्रिसिपिटेशन इफिशियंसी का और इस तरीके से इन्होंने अपना कंसेप्ट बताया था यहां पर अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ वन चार्ट विच इज़ एक्चुअली शोइंग द थर्मल इफिशियंसी और दूसरी चार्ट है जहां पर मॉइस्चर यानी कि प्रेसिपिटेशन के बारे में बताया गया है अब देखिए इन्होंने थर्मल इफिशियंसी के जरिए यहां पर थोड़ा सा विजिबिलिटी नहीं है मैं बोलते आऊंगा आप लोग मैच कर लीजिएगा थर्मल इफिशियंसी के बेसिस पे इन्होंने क्लाइमेट को डिवाइड किया और क्लाइमेट डिवीजन के लिए इन्होंने जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए वो यूज़ किया ए डैश B- डैश और B- डैश में भी इन्होंने B4, फिर B3- थ्री डैश बी टू डैश और B1- वन डैश ये यूज़ किया C को भी इसी तरीके से इन्होंने क्लासीफाई क्लासीफाई किया C2- टू डैश सी वन डैश और फिर अल्टीमेटली आपका D- डैश एंड फिर अल्टीमेटली E- डैश आ जाता है यहाँ पर इन्होंने जो ए डैश का नाम दिया वो बोला इन्होंने मेगा थर्मल इसी तरीके से बी में इन्होंने कहा मीज़ो थर्मल मीज़ो थर्मल मीज़ो थर्मल अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली बेस्ड ऑन द कंसनट्रेशन ये डिवाइड इन्होंने ने किया हुआ है अब ये वैल्यूज़ आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यू कैन जस्ट सिंपली स्कीप दीज पोर्शंस ठीक है केवल आपको इतना ही याद करना है इंडेक्स की वैल्यू भी आपको नहीं याद रखनी है लेकिन ये याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं जैसे बी बी को बोलाता है मीजो थर्मल ठीक है फिर उसके बाद से ए को बोलाता है मेगा थर्मल सी को बोलाता है माइक्रोथर्मल और डी आ जाती है आपकी टूंरा और ई e आ जाता है आपका फ्रॉस्ट यानी कि एक चीज यहां से बोल सकते हैं यू कैन जस्ट सिंपली डिवाइड द अर्थ इंटू डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट जहाँ पर सबसे ऊपर आप बोल देंगे ई e है दैट इज़ द फ्रॉस्ट फिर आपका डी आ जाएगा फिर आपका सी आ जाएगा फिर बी आ जाएगा और फिर ए आ जाएगा तो देखिए ए और डी के ऊपर में कोई भी सेपरेट क्लासिफिकेशन नहीं है लेकिन सी में आपको सेपरेट क्लासिफिकेशन दिखेगी और बी में तो कई सारी सेपरेट क्लासिफिकेशन आपको दिख जाएगी तो यहाँ पर और यहाँ पर इन दो लेयर में वेरिएशन हैं बाकी कहीं और भी वेरिएशन नहीं है दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ थर्मल इफ़िशियंसी थर्मल के कारण से हमें ये चीज़ देखने को मिलती है वही अगर देख लिया जाए प्रसिपिटेशन के कारण से तो प्रसिपिटेशन के कारण से हमें जैसे ए बी में हमें सब कैटिगरीज़ मिल जाती हैं बी के साथ में अगेन सब कैटिगरी फ़ोर टाइप की सी में दो सब कैटिगरी और डी फिर ई e आ जाती है ई e वही जो आपका एरिड है जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है डी में सेमी एरिड जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है सी का मतलब है जहाँ पर बारिश तो हो रही है एंड देयर इज़ अगेन अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंडेक्स वैल्यू और इस इंडेक्स को क्लासीफाई किया गया था बेस्ड ऑन द मॉइस्चर इंडेक्स बी जो है वो ह्यूमिड आ जाती है और ए जो है वो पर ह्यूमिड होती है अब यहां पर देखिए एक नई चीज आपको देखने को मिली होगी मॉइस्चर इंडेक्स ये मॉइस्चर इंडेक्स एक्चुअली अगेन एक फार्मूला है जिस फार्मूला के बेसिस पे यह डिवाइड किया जाता है मॉइस्चर इंडेक्स इसकी वैल्यू होती है यहां पर मैं फार्मूला लिख देता हूं यू कैट जस्ट सिंपली मेमोराइज इट हंड्रेड P माइनस पी ई डिवाइडेड बाई पी ई पी का मतलब हो जाता है प्रसिपिटेशन और पी ई का मतलब है पोटेंशियो इवेपो ट्रांसपिरेशन पोटेंशियो इवेपो ट्रांसपिरेशन और पी का मतलब हो गया प्रिसिपिटेशन ये जो मॉइस्चर इंडेक्स है एक्चुअल में 1948 में एज पार्ट ऑफ द मॉडिफिकेशन आया था तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा दिस इज द मॉडिफिकेशन 1948 में जो वापस से रिवाइज करके आया था तो ये तीनों फॉर्मूले आप लोग याद रखिएगा अब देखिए ये जो मॉइस्चर इंडेक्स है यहां पर दो कैटेगराइजेशन था एक था एरिडिटी के बेसिस पे और दूसरा था मॉइस्चर के बेसिस पे दिस इज द मॉइस्चर अब मॉइस्चर देखिए वहां पर कैलकुलेट की जाती है जहां पर ड्राई हो जहां खुद ही मॉइस्चर है वहां के आप कैलकुलेट करेंगे और एरिडिटी वहां ली जाती है जहां पर मॉइस्चर होता है तो इस तरीके से बेस्ड ऑन दीज टू पैरामीटर्स यहां पर कैलकुलेशन की गई थी अब यहां पर क्वेश्चन ये होता है प्रेसिपिटेशन तो ठीक है लेकिन पोटेंशियो इवेपो ट्रांसपीरेशन कैसे हम निकालेंगे तो देखिए पोटेंशियो इवेपो ट्रांसमरेशन का भी अपना एक फार्मूला है इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है 1.6 पॉइंट सिक्स टेन टी डिवाइडेड बाई टी इन और इसकी पावर हो जाएगा ए दिस इज ओके दिस इज नॉट टी दिस इज आई एक्चुअली ये जो होती है आई मतलब एरिडिटी इंडेक्स होती है अब इस आई के भी फार्मूला है तो आई इज इक्वल्स टू सिग्मा टी ट्वेल्व मतलब टाइम है वन मंथ से लेकर के ट्वेल्व मंथ तक का और यहाँ पर टी डिवाइडेड बाई फाइव जो जो वैल्यू आ रही है 1.514 तो ये दोनों फार्मूला अभी आप लोग याद रखेंगे ठीक है तो फार्मूला कौन कौन से हो गए वन टू थ्री आपका यहां पर हो गया मॉइस्चर इंडेक्स वन सेकेंड ठीक है वन सेकेंड या सो थ्री फार्मूला यहां पे आ गया फोर्थ फार्मूला आपका पोटेंशियो इंसपरेशन फिफ्थ फार्मूला आ गया आपका जो एरिडिटी को लेकर के है तो ये सारी चीज़ों को लेकर के अगर आप चलेंगे और जो मोडिफ़िकेशन के बारे में देखेंगे तो अल्टीमेटली बेस्ड ऑन दिस इंडेक्स यहाँ पर हमारे पास कुछ और मोडिफिकेशन के थ्रू वैल्यूज़ आई और यहाँ पर इन्होंने कहा कि देखिए तीन तरीके की मॉइस्ट क्लाइमेट है ए बी सी और यहाँ पर ड्राई क्लाइमेट्स हैं सी डी ई ठीक है C, D, e, अब यहाँ पर इन्होंने डिवीज़न सब डिवीज़न किया जैसे आर हो गया एस हो गया डब्ल्यू हो गया एस डैश हो गया डब्ल्यू डैश हो गया आर का मतलब हो गया जो रेन फॉरेस्ट है दे आर रेन फॉरेस्ट जैसा कि स्मॉल एफ हम लोगों ने कोपेन में देखा था सिमिलरली इसके लिए हो जाएगा समर डिफिसिट हो गई डब्ल्यू हो जाएगी जहाँ विंटर डिफिसिट है एस डैश का मतलब है जहाँ बहुत ज़्यादा डिफिसिट है और डब्ल्यू में वही जितना ज़्यादा डिफिसिट है और ये दोनों लिया गया है बेस्ड ऑन द एरिडिटी इंडेक्स इसी तरीके से जो ड्राई क्लाइमेट है अभी मैंने बताया था ड्राई क्लाइमेट को हम लोग ह्यूमिडिटी इंडेक्स से नापते हैं और वही यहां पर डी एस डब्ल्यू एस डैश और डब्ल्यू डैश वाली वैल्यू आ जाएगी तो दिस इज ऑल अबाउट आवर थॉन्ट वाइट क्लासिफिकेशन और इन्होंने जो वेरिएशन दिखाई थी उस वेरिएशन के बेसिस पे हमें कुछ इंप्रूव्ड वर्जन मिला अब जैसे इन्होंने जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह की थी उसमें वन ट्वेंटी टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में बताया मान लीजिए बताया गया है मैं बोल रहा हूं और इसमें से केवल और केवल थर्टी टू ही एक्चुअल में दिखाई दिए सो दिस इज़ काइंड यू कैन से वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल लेकिन इन्होंने रियलिटी की ओर में काफ़ी अच्छा एक कदम उठाया था थॉन्टफाइट क्लासिफिकेशन के अगर इवेल्यूशन को देखें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड अटेम्प्ट विद सोफिस्टिकेटेड इंडिस थॉन्ड वाइट ने यह रियलाइज़ किया द ट्रांसप्रेशन लॉसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्योंकि यहाँ पर इवेपोरेटिव लॉसेज भी काफ़ी ज़्यादा एंड वी कैन नॉट इग्नोर दिस काइंड ऑफ द थिंग जो वाटर लॉस हो रही है इनफैक्ट जो हमारी थॉन्टवाइट की क्लासिफिकेशन है वो वाटर अवेलेबिलिटी पर ही बेस्ड थी और इनकी जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो हम लोग गवर्नमेंट में मतलब इंडियन गवर्नमेंट इज आल्सो यूजिंग दिस थॉन्टवाइट क्लासिफिकेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि हम लोग भी यही क्लासीफिकेशन यूज करते हैं थॉन्टवाइट अगेन डेवलप एंड इम्पीरिकल इक्वेशन राधर दैन रिकॉर्डिंग एंड मेजरिंग द लॉसिस डायरेक्टली तो हमने एक कैलकुलेशन के बेसिस पे किया गया था नेक्स्ट आती है हमारे ट्रिवार था। क्लासिफिकेशन अब देखिए जो ट्रिवार्था की क्लासिफिकेशन है ये कोपेन के ही कह लीजिए कि क्लासिफिकेशन के मोडिफिकेशन के तौर पर आई थी अब चूंकि देखिए थाांडवाइट ने इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम कर दिया था चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई थी अब उसके कारण से थॉन्टवाइट को प्रेफर उतना नहीं किया गया बिकॉज मैथमेटिक्स वहाँ पर इन्वॉल्व थी और मैथमेटिक्स के कारण से सिचुएशन और जो सिस्टम था काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था त्रिवार्था ने कहा कि कोपेन वॉज राइट बट वी हैव टू जस्ट क्लासीफाई अ बिट मोर जो कि कोपेन में कहा गया था और उसी के वजह से विता ने और भी क्लासिफिकेशन को सब डिवाइड किया और सब डिवीजन के बेसिस पे यहाँ उन्होंने दो तरीके नवाए एक तरीका जहाँ पर इन्होंने प्योरली प्रसिपिटेशन के बेसिस पे कहा और दूसरा इन्होंने कहा जो टेम्परेचर के बेसिस पर था जैसे कि हमारा बी जो कि ड्राई है विद रिस्पेक्ट टू तो ऑबियसली प्रसिपिटेशन और बाकी चीज़ टेम्परेचर के बेसिस पे जैसे ए हो गई वन सेकेंड जैसे आपकी ए हो गई ए के अलावा सी हो गई सी के अलावा डी हो गई तो इस तरीके से इन्होंने जो डिवीजन किया आगे ले जाकर के अब ए में जो कि ट्रॉपिकल ह्यूमिड है इन्होंने सब डिवीजन किया जैसे ए रेन फॉरेस्ट यानी ट्रॉपिकल वेट ए डब्ल्यू यानी कि ट्रॉपिकल यहां पर जो कंडीशन है वो विंटर में ड्राई और फिर ए एस तो इस तरीके से यहां इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है इसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है बट दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट यू कैन जस्ट सिंपली स्किप इट बिकॉज द डेटाज आर वेरी स्पेसिफिक लाइक एटीन पॉइंट थ्री डिग्री सेंटीग्रेड एंड ये याद कर पाना ह्यूमनली इम्पॉसिबल टास्क है अगर आप कर सकते हैं दैट इज ओके बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड इवन इन द एग्ज़ाम ऑल्सो एग्जामिनर डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू राइट ऑल दिस काइंड ऑफ डिस्कशन तो आपको ये लिखना ज़रूरी नहीं होता है सेकेंड थिंग इन्होंने बताया था सी सब ट्रॉपिकल अब बी कहाँ गया बी तो चला गया ना अभी हम लोगों ने देखा एरिड वाला केस था जहाँ पर टेम प्रिसिपिटेशन के बेसिस पे डिवीज़न हो रखा है क्लियर हो गया अभी हम लोग देखेंगे भी उसके बारे में सी में इन्होंने डिवाइड किया दो तरीके से सी एस दैट इज़ द स्टेप टाइप की यानी कि ड्राई समर और एफ़ टाइप की और एफ़ में इन्होंने ए बी डब्ल्यू सब क्लासिफिकेशन किया जैसा कि कोपेन ने कर रखा था इसके बारे में अगेन यहां पर लिखा हुआ है डी के साथ इन्होंने वही सब डिवीजन किया डी ओ एंड डी सी डी ओ का मतलब हो गया ओशियानिक साइड में जो टेम्परेट है कोस्टल इलाके एक तरीके से बोल सकते हैं और डी सी मतलब जो कॉन्टिनेंटल है बीच वाला इलाका आ गया क्लियर हो गया क्या चीज़ है अब जैसे अमेरिका के बारे में ही देखें तो दिस इज़ सपोज़ नॉर्थ अमेरिका तो नॉर्थ अमेरिका में ये वाली जो चीज़ है दिस आर कॉन्टिनेंटल तो यहां पर क्या हो गया टी सी यानी कि डी सी हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा ये सब डी ओ हो जाएंगे क्लियर हो गया क्या चीज़ है यहां पर भी सब कैटेगराइजेशन है जैसे ए बी एफ एस डब्ल्यू एफ का मतलब वही चीज़ है जैसे लगातार जो रेन फॉरेस्ट वाली चीज़ है और ऐस का मतलब ड्राई समर और डब्ल्यू का मतलब ड्राई विंटर लास्टली आ जाती है हमारी ई मतलब जो बोरियल फॉरेस्ट वगैरह हैं यानी कि फॉरेस्ट कंडीशन रहेगी और ई का मतलब हो जाता है पोलर पोलर में दो चीज़ें हैं टुंड्रा और आइस कैप्स फर्दर डिवीज़न करने की यहाँ पर इन्होंने कोई ज़रूरत नहीं बताई हालांकि कोपेन में फर्दर क्लासिफिकेशन था टी हो गया डब्ल्यू हो गया एम हो गया बट यहाँ पर इन्होंने कहा ऐसा जरूरत नहीं है बी में जब यह आया तो इन्होंने कहा कि कोपेन वाज प्योरली पूरी तरीके से करेक्ट थे और इन्होंने भी वही ज्यों का त्यों उतार दिया जैसे बी एस स्टेप वाला और फिर आपका बी डब्ल्यू जो कि एरिड वाला तो बी एस में इन्होंने कहा एच और के अगेन क्यों हॉट एंड कोल्ड सीधी सी बात है और यहाँ पर भी हॉट एंड कोल्ड बात खत्म हो गई तो ये थी हमारी त्रिवार्था का क्लासिफिकेशन काफ़ी सिंपल बस रट्टा मारने वाली एक दिक्कत है तो रट्टा मारिएगा और यू कैन जस्ट सिंपली गो थ्रू विद दिस एंड मेक योर नोट्स और नोट्स बनाने के बाद आप इसे सिंपली स्किप कर सकते हैं और एग्जाम से पहले उठा करके वापस से देखिए और वापस से रट्टा मार लीजिए दैट इज़ द ओनली बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट यू कैन डू क्लास इनके इवेल्युशन के बारे में देखें तो ये 1930 में दी गई थी एंड अनलाइक थॉन्ट वाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ त्रिवार्था स्कीम इज़ नॉट प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव टू कोपन बल्कि इसी में इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया एंड थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रिवार्था स्कीम क्या क्या है इट इज़ टू आर्ग्यू इन फेवर ऑफ इम्पीरिकल क्लासिफिकेशन इम्पीरिकल तरीके से जैसे कॉपन ने दिया था वही इन्होंने भी डिस्कस किया एंड वेर एवर पॉसिबल टू इनकॉर्पोरेट कॉजल फैक्टर्स जो कि ट्रिवार्था ने वापस से रीडिफाइन किया था जो कि कॉपन ने कहीं ना कहीं वो फेल हो जा रहे थे तो टू वैलिडेट डिस्क्रिप्टिव जर्नलाइज स्कीम फॉर वर्ल्ड क्लाइमेट टाई बिकॉज इन ज्योग्राफी, वी need टू appreciate ब्रॉड पैटर्न अब थाट के जैसे 120 तरीके के क्लाइमेट निकाल के रखें और उसके बाद से उसमें और भी डिटेल्ड चीज़ें लिख करके रखें तो दैट विल ऑब्वियसली गिव यू प्रॉब्लम्स आगे वेजिटेशन एज द बेसिस शुड नॉट बी डिसमिस्ड एज एन अनसाइंटिफिक अप्रोच बिकॉज इट इज़ अ ब्रिलियंट इनोवेशन टू एप्रिशिएट हाउ द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट इंटरेक्ट एंड एक्सप्रेस दिमसेल्फ इन अ रीजन तो कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं ये बेटर तरीके से ट्रिवार्था साहब ने बताया था थोड़ा सा जनरलाइजेशन किया था लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि जोग्राफी में इतना जनरलाइजेशन चलता है ठीक है चलिए आगे इन्होंने कहा कि ऑन द बाउंड्रीज ऑफ कोपेन स्कीम इन्होंने कहा कि पोलवर्ड बाउंड्री ऑफ ए टाइप वो स्किप्ट है सेम जैसे पहले रखा था वैसे ही रखा गया जैसे 18 डिग्री आईसोटम जो इन्होंने रखा था इन्होंने कहा कि सब बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है वाइल स्टडिंग द क्लाइमेट टाइप ऑफ नॉर्थ अमेरिका ट्रिवार्था वॉज ऑफ़ द ओपिनियन दैट इट इज़ रादर इनकरेक्ट टू कीप अ वेरी ब्रॉड लेटिट्यूडिनल रेंज अंडर दिस टाइप यानी जो डी टाइप के बारे में इन्होंने आगे बढ़ाया था उसमें इन्होंने कहा कि ठीक है लेकिन काफ़ी ब्रॉड ब्रॉड सा टर्म है तो वी कैन जस्ट सिंपली इसको थोड़ा सा कम करके इसके बेसिस को हम लोग देख सकते हैं और यहाँ पर इन्होंने एक सिंगल थर्मल प्रोविंस बनाया एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पैसेफिक वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका अंडर द सी टाइप इंक्लूड मोस्ट ऑफ द कैलिफोर्नियन कोस्ट वॉशिंगटन और ब्रिटिश जितनी भी चीजें वो सब आ जाती हैं यहां पर हेंस डिफार्टा प्रपोज टू लिमिट द बाउंड्रीज ऑफ बोथ सी एंड डी टाइप एंड इंट्रोड्यूस अ ट्रांजिशन क्लाइमेट जिसको कि इन्होंने बोला ई e और ये सब टाइप था डी का ही ठीक है बाकी पोलवर्ड बाउंड्रीज ऑफ सी एंड डी अल्टर कर दी गई थी उसमें कुछ और भी क्लासिफिकेशन करते गए थे ठीक है तो ये चीज़ें हो गई थी बाउंड्री बिटवीन डी एंड ई इज़ टेन डिग्री समर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है तो ये रिक्वायर्ड भी नहीं है यू कैन जस्ट सिंपली स्किप इट द मोडिफाइड ही मोडिफाइड द बेसिस ऑफ मानसून रेनफॉल मानसून एज द ट्रॉपिकल रीजन फॉर एटलीस्ट थ्री मंथ विद रेनफॉल लेस देन सिक्स सेंटीमीटर अब देखिए मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आप रिक्वायर्ड है एग्जाम के लिए अगर आपको पढ़ना है तो यू कैन जस्ट सिंपली गो थ्रू विद द समिंदर सिंह और एनी ऑफ द बुक लेकिन वो चीज़ें काफ़ी डिटेल्ड हो जाएंगी और इवन इन एग्जामिनेशन ऑल्सो दे आर नॉट आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड इवन दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू राइट ऑल द डिटेल अबाउट द ट्रिवार्था कैलकुलेशन या जितनी भी चीज़ें हैं और अगर इनके साथ आता भी है तो यू कैन जस्ट सिंपली स्कीप इट क्योंकि एक क्वेश्चन वहाँ पर स्किप भी करना होता है चलिए ही आर एट द कॉजल फैक्टर इन टू वेज वन इज़ द एच टाइप ऑफ क्लाइमेट जो भी चीज़ें आई थी और इस तरीके से इन्होंने अपना सिस्टम बता दिया था तो देखिए यहाँ पर मोरलैस जो चीज़ें हैं वो याद ही करने वाली हैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिस्कशन करने को नहीं है सो वी आर जस्ट स्किपिंग इट एंड यू जस्ट हैव टू गो थ्रू विद द जितने भी फैक्ट्स वगैरह हैं उनके थ्रू होकर के जाइएगा बाकी आप लोग एक बार क्वेश्चन देखिएगा पास्ट ईयर में और लिखने की कोशिश करिएगा लिख करके ऑब्वियसली यू कैन सेंड अस एंड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन रीच अस बाय यूजिंग द मेथड्स मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच